हेलो गाइस, मायसेल्फ डॉक्टर किरण चुटलिया, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम अपनी जो नॉलेज बेस्ड वीडियो सीरीज है उसमें हेयर के बेसिक साइंस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको हेयर की एनाटॉमी मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी और बायोलॉजी मीन्स वो कैसे ग्रो करता है उसके बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी, तो उसका ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में क्या इंपॉर्टेंस है, फिर आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकने में क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे भी आपको हेल्प मिलेगी, फिर आपकी डाइट इसमें कैसे हेल्प वो भी आपको मैं समझा पाऊंगा। तो दोस्तों, हेयर के बेसिक्स या बेसिक फैक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो अपनी बॉडी में दो तीन टाइप के हेयर्स होते हैं। सबसे पहले बचपन में हमें बाल आते हैं जिनको लैनुगो या एकदम बेबी हेयर्स बोलते हैं, वो एक दो महीने या कुछ महीने रखे चले जाते हैं। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, चिल्ड्रन या फिर एडल्ट या टीन एज या तो फिर ओल्ड एज, ये चार एज में दो ही टाइप के हेयर्स बॉडी में रहते हैं। एक होते हैं टर्मिनल हेयर्स या थिक हेयर्स, जो मेरी राली में या अपने सिर के बाल होते हैं, दीस आर टर्मिनल हेयर्स, जो बचपन से प्यूबर्टी तक हमें काले घने थिक हेयर्स दिखते हैं, उनको टर्मिनल हेयर बोलते हैं। दूसरे विलस हेयर, एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे बाल जो अपने स्किन में रुआटी या ऐसा बोलते हैं ना, एकदम बारीक सा जो एकदम ब्राउनिश कलर कलरलेस हेयर्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे जो विजिबल नहीं होते उनको विलस हेयर बोलते हैं। ये दोनों के बारे में जानना भी क्यों जरूरी है कि इसमें ही जो चेंज आता है ना उससे आपका बाल्डनेस और वो सारी चीजें सेट होती है। फीमेल्स में अनवांटेड हेयर्स भी उसकी वजह से ही आगे बढ़ते हैं। तो प्यूबर्टी हिट होते ही बॉडी में हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है, बॉडी का सेकेंडरी हेयर कैरेक्टर डेवलप होता है। उसमें क्या होता है, जो अपनी दाढ़ी के विलस हेयर थे, बारीक बारीक बाल थे, उनको वो टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट करता है। तो जो बारीक बाल था वो धीरे धीरे ब्लड फ्लो गेन करता जाता है और वो परमानेंटली टर्मिनल हेयर में सेट हो जाता है। इसकी वजह से हमें परमानेंट बालों की ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, स्पेशली मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये चेंज आता है। इसकी वजह से हर एक की अलग अलग पैटर्न में ग्रोथ होती है, हर की बियर्ड की पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, आपने भी देखा होगा, तो वो भी वही डिसीजन लेती है। सिमिलर वे बॉडी में आगे जाके 20-25 साल के बाद काफी के स्ट्रेस की वजह से, खराब लाइफस्टाइल, खराब खाना पीना, नींद बुरी नहीं होना, फिर आपकी जेनेटिक स्ट्रांग है, आपका ऑयल सिक्रेशन ज्यादा है, आपको डेंड्रफ जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे कंडीशन है या गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो ये सारे रीजन से आपका दूसरा एक हार्मोन भी ट्रिगर होता है जिसको बोलते हैं DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बालों की जड़े है उनमें दूसरा एक चेंज लाता है, स्पेशली जो ये क्राउन और फ्रंट टू क्राउन जो एरिया होता है जिनको बाल्डनेस का जोन बोला जाता है, वहां के बालों में स्टेप बाय स्टेप उनका ब्लड फ्लो डाउन करता है और ये प्रोसेस को बोलते हैं हेयर मिनिचराइजेशन। इसमें जो टर्मिनल मीन थिक हेयर्स था वो विलस हेयर धीरे धीरे बारीक होता जाता है, धीरे जैसे उसका ब्लड फ्लो कम होता जाता है उसको थिनिंग होती जाती है, जो बालों की जड़ों में ब्लड अंदर जा रहा है वो कम होता जाता है, वहां सूजन आ जाती है और उसकी वजह से बाल धीरे धीरे पहले से कम ग्रो करता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि बॉडी में कौन से हेयर्स कैसे है और क्या ये प्रोसेस में चेंज होता है। तो ये एक मेन पॉइंट था। दूसरा, हेयर का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्किन के लेयर्स में अलग अलग भाग में है। तो अपने स्किन के तीन लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो ब्राउनिश लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, जो एकदम 1 या 2 mm का होता है। उसके बाद 4-5 mm का और एक जोन होता है जिसको डर्मिस बोलते हैं, ये दोनों मिलकर स्किन बोला जाता है। इसके नीचे सबक्यू फैट होती है जिसमें ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स और ये सारी चीजें रहती है, इसमें इम्यूनिटी के सेल्स और वो सारी चीजें अच्छे से एक्टिवेट होते हैं और वो काम करते रहता है। तो अपने स्किन के दो लेयर होते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस का एक स्किन लेयर और दूसरा सबक्यूटेनियस लेयर में स्किन के नीचे का लेयर। तो बाल ये तीन लेयर्स में ही होता है। जो बालों का ब्लड फ्लो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में से आता है और बाल धीरे धीरे ग्रो करता है। बाल के आजू बाजू में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, ग्रंथी होती है, जो ऑयल बनाती है या स्वेट बनाती है, मोस्टली ऑयल बनाती है। तो इसी वजह से अपने फेस पे और स्काल्प में ऑयल ज्यादा सिक्रीट होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बालों के स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में थे। दूसरा, जो बाल बनता है उसमें भी आपने सुना होगा केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, क्यूटिकल नाम का एक लेयर होता है, तो उसके भी लेयर्स होते हैं। ओके, तो बाल के ओवरऑल तीन लेयर होते हैं। एकदम बाहर का लेयर जो होता है जो एकदम ग्लासी मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ओके, उसके बीच में और एक लेयर होता है जहाँ पे हमें हार्ड केराटिन और सॉफ्ट केराटिन के दो मास्क होते हैं जिसको हम ओरल मेन केराटिन स्ट्रक्चर बोलते हैं या मेड्यूला बोलते हैं। तो बालों के भी 2 से 3 लेयर होते हैं। तो क्रिटिकल ही आपकी बालों की शाइनीनेस के लिए जवाबदार है। फीमेल्स में फ्रिजीनेस या ड्राइनेस क्यों होती है, क्योंकि क्यूटिकल का लेयर डैमेज हो जाता है। अगर आप ज्यादा गर्म पानी से बाल धो रहे तो भी क्यूटिकल डैमेज होगा और आपके बाल रफ एंड ड्राई हो जाएंगे, जल्दी टूटेंगे। आप हार्ड वाटर यूज करोगे तो भी क्यूटिकल पर डैमेज होगा, सनलाइट से क्यूटिकल में डैमेज होगा। तो ये सारी चीजें हैं क्यूटिकल को डैमेज करती है। इवन जो हम स्ट्रेटनिंग और वो करते हैं ना,
उसमें भी क्यूटिकल में जो सल्फर बॉन्ड्स होते हैं उसको फॉर्मलिन लिक्विड से वो स्ट्रेट करते हैं, तो उसका भी क्यूटिकल से लेना देना है। उसमें केराटिन नाम का प्रोटीन स्मूथ हो जाता है, एकदम पतला सा लेयर होता है, वे प्रोटेक्ट करता है हेयर को और आजू बाजू की स्किन को और वो सबको वो हैंडल कर पाता है। बीच का मेड्यूला होता है जिसको कोर ऑफ हेयर बोलते हैं, सबसे बीच का सिलेंडर जैसा एकदम स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी यहाँ सेल्स होते हैं, केराटिन होता है सॉफ्ट वाला, कभी कभी नहीं होता है। एंड थर्ड लेयर इज द कॉर्टेक्स जो मेड्यूला के आजू बाजू में होता है, जो नेचुरल पिगमेंट काला कलर का पिगमेंट होता है वो मेजोरिटी कॉर्टेक्स में होता है, जिसकी वजह से हमारा बाल काला और घना और थिक दिखता है। जितना कॉर्टेक्स बड़ा उतना बाल मोटा, जितना कॉर्टेक्स पतला उतना बाल छोटा और बारीक। तो तीनों लेयर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। क्यूटिकल आपकी ड्राइनेस फ्रिजीनेस और उसके लिए जवाबदार है, जो कॉर्टेक्स का लेयर है वो आपका कालापन थिकनेस घनापन उसके लिए जवाबदार है, और जो मेडुला है लास्ट वाला लेयर मैंने बताया सेंट्रल कोर, उसमें कभी कभी सॉफ्ट काला प्रोटीन होता है। तो यही तीन लेयर वो बालों की जड़ें नीचे से बनाती है और ऊपर लेके जाती है। तो ये तीनों लेयर जो बनते हैं ना वो नीचे के यहाँ पे बल्ब में बनते हैं, इसको बोलते हैं बल्ब, हेयर का बल्ब, जहाँ से हेयर बन के बाहर आता है। इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन बनेगा, कॉर्टेक्स बनाएगा, उसके आजू बाजू में क्यूटिकल नाम का लेयर बनाएगा और बीच में थोड़ा बहुत सेल्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। यहाँ पे इसका जो ब्लड सप्लाई है और जहाँ से सेल्स मल्टीप्लाई होके ऊपर जाते हैं वो एरिया को बोलते हैं पैपिला। तो जब भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना है, आपके बालों की ग्रोथ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये पैपिला में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से होता है। जब पैपिला काम करना बंद कर देती है तो बालों की ग्रोथ स्लो एंड छोटी हो जाती है, धीरे धीरे वो बाल्डनेस की ओर भी चला जाता है। जब वो अच्छे से नरिशमेंट लेता है तो अच्छे से वो आगे बढ़ता है। मिनोक्सिडिल सीरम, रेडेंसिल सीरम, ऑनियन जूस, रोजमेरी ऑयल या जो भी आप कोकोनट ऑयल भी लगा रहे हो, सारे यहाँ से पेनिट्रेट करके पैपिला में पहुंचते हैं। जितना वो ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। मिनोक्सिडिल का काम यहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाना है, रेडेंसिल का काम यहाँ के स्टेम सेल को स्टिमुलेट करके ज्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई करना और ब्लड फ्लो बढ़ाना है, रोजमेरी ऑयल का काम भी ब्लड फ्लो बढ़ाना है, और जो ऑनियन होता है उसमें सल्फर बॉन्ड्स होते हैं वो जाते हैं सल्फर और उसकी वजह से स्टिमुलेशन ज्यादा होता है। तो ये तरीका है कि ये सारे ऑयल्स यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। अगर ये बालों की जड़ों में कुछ इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए और डीएचटी हार्मोन से डैमेज हो जाए तो वो बालों की जड़ें ग्रो करना कम कर देती है। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे जो डर्मल पैपिला और उसके बारे में। उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको हेयर शाफ्ट बोलते हैं, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। जब ग्राफ कलेक्ट करते हैं तो हमें मोटर ऐसे डालना रहता है, तो पंच जो होता है फी का पंच ऐसे अंदर जाता है और ये बालों की जड़ों के आजू बाजू से लूज करता है। मेन थिकनेस एपिडर्मिस की होती है जहाँ से उसको स्ट्रेंथ होती है, नीचे बाल लूज होता है, हम जितना सिर्फ इतना ही अंदर जाते हैं तो भी ग्राफ लूज होके बाहर आ जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट थे रिगार्डिंग हेयर स्ट्रक्चर, उसके पार्टिकल्स या उसके लेयर और उसका ग्रोथ कैसे होता है उसके बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक था जिसमें आपने बेसिक हेयर के एनाटॉमी और उसका ग्रोथ और ब्लड सप्लाई के बारे में जाना। अभी हम और एक नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे जिसमें आपको उसकी ग्रोथ की साइकिल के बारे में बताएं, वो भी जानना जरूरी है, उसकी भी क्या नुकसान है, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।